दिन दहाड़े श्योपुर शहर के बीचों बीच से गायब हुआ करहल निवासी अनिल ओझा। 48 घंटे बीते मगर अभी तक कोतवाली पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। खबर श्योपुर से है, जहां करहल निवासी जड़ी बूटी व्यापारी अनिल ओझा 15 जुलाई की सुबह 10 बजे अपनी होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल की सर्विस कराने और कुछ बैंक संबंधी काम की कहकर श्योपुर गए थे, मगर देर रात तक अपने करहल स्थित घर नहीं पहुंचे। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश की मगर कहीं भी अनिल का पता नहीं चला। जिस पर परिजन करहल थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो करहल पुलिस ने मामला श्योपुर को बताकर उन्हें श्योपुर कोतवाली जाने को कहा, जहां परिजन कोतवाली पहुंचे। अनिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। परिजन और पुलिस ने जब प्राथमिक तफ्तीश की तो पता चला कि अनिल ने अपनी गाड़ी श्योपुर एजेंसी पर सर्विस के लिए डाल दी थी, मगर बाजार में कुछ काम की कहकर वहां से चला गया था। जिस पर पुलिस ने कैमरे चेक किए तो अनिल एक सीसीटीवी कैमरे में ऑटो में बैठता दिखाई दे रहा है, मगर उस ऑटो के नंबर कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अनिल का मोबाइल भी उसी दिन दोपहर से बंद आ रहा है। एक तरफ तो परिजन इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि बेटे को गायब हुए 2 दिन का समय बीत गया मगर कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है, लड़के के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, मगर वहीं दूसरी ओर कोतवाली पुलिस इस मामले को बेहद हल्के में ले रही है। शहर के बीचों बीच से किसी युवक का इस तरह गायब हो जाना भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान करता है। परिजन पुलिस अधीक्षक से भी मिल चुके हैं, मगर एसपी के हस्तक्षेप के बाद भी अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा है, परिजन और उनके रिश्तेदारों को चिंताएं बढ़ रही हैं। पुलिस को इस मामले को गंभीर लेते हुए जल्दी मामले को खुलासा करना चाहिए। देखिए श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या मामला है? 15 तारीख को गया था ये 9 बजे सुबह मोटरसाइकिल ठीक करवाने और बैंक के काम से गया। उसके बाद इसने मोटरसाइकिल तो वहाँ रख दी होंडा एजेंसी पे, कोई वहाँ से आ गया ये, उसके बाद पता नहीं है अभी तक। तो तुमने कहाँ पर मतलब जानकारी ली, किस थाने में कंप्लेंट किया आपने? श्योपुर थाने में इसकी FIR दर्ज करवाई। अच्छा, कल पुलिस ने क्या किया फिर? आप कल गए थे क्या श्योपुर? कल गए थे, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और ये बोले कि हम 10 बजे ऑफिस खुलेंगे, एजेंसी खुलेंगी, जब अपन इसकी तलाश करेंगे। फिर दोबारा गए तो कॉल डिटेल वो कंट्रोल रूम पर सारी फुटेज दिखवाई, उसमें कहीं वो नहीं मिला। तो मतलब किसी भी कैमरे में नजर नहीं आ रहा है? कंट्रोल रूम पे तो नहीं है किसी में। होंडा एजेंसी से बाहर निकले, होंडा एजेंसी से जो बाहर निकले थे उस समय बाहर निकले हैं वो दिख रहे हैं, और उसके बाद एक ऑटो में बैठे हैं हीरो वाली एजेंसी के, उससे कैमरे से वो दिखे हैं, उसके बाद पता नहीं। ऑटो का कोई नंबर वगैरह? ऑटो पर कोई नंबर नहीं दिखाई नहीं दे रहा। यानी कल की तफ्तीश में बिल्कुल सामने नहीं आई है कोई बात सामने नहीं आई। अभी पुलिस आज क्या कर रही है? आज आपने संपर्क किया होगा? आज तो संपर्क नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्या लग रहा है इसके पीछे कोई मुख्य वजह, कोई दुश्मनी, कोई व्यापारिक द्वेष? अभी ये जानकारी नहीं है अपन को, बिल्कुल कुछ नहीं बताता था घर पे। घर से कोई नाराजगी जाते वक्त? नाराजगी नहीं रहती। आपकी लास्ट बार बात कब हुई उनसे? लास्ट बार तो सुबह ही हुई थी मेरी, तो घर से गया। अच्छा, मतलब उसके बाद बात नहीं हुई? नहीं। रिश्तेदारों में पता किया? रिश्तेदारों में सब पता कर लिया, कहीं नहीं। क्या लग रहा है कि पुलिस 48 घंटे में भी युवक को नहीं ढूंढ पाई, कि पुलिस की भूमिका कहीं इसमें लापरवाही वाली लग रही है क्या? आज बता रहे वो कोई कल आप आना मत, वो मुहर्रम है तो हम सब बिजी रहेंगे। मतलब अपहरण, मतलब कोई व्यक्ति गायब है, पुलिस कह रही है कि हम मुहर्रम में व्यस्त रहेंगे। व्यस्त रहेंगे, उनको युवक को ढूंढने का समय नहीं है आज के दिन, यही बोला। SP से मिले आप? SP साहब के पास गए, आवेदन दिया, आवेदन उन्होंने तुरंत एक बगल में कोई बाबू खड़े थे उनको दे दिया, उन्होंने कही इसकी वो करो डिटेल करवाओ, लेकिन अभी तक कोई डिटेल नहीं आई। डिटेल नहीं है, अपन को कोई सूचना नहीं है अभी तक। कोई फोन आया तुम्हारे पास किसी भी? किसी का कोई फोन नहीं आया।